आगामी 6 नवंबर को लखनऊ के इस एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 मैच खेला जाना है। मैच को देखने के लिए लगातार दर्शक यहां पर टिकट लेने के लिए पहुंच रहे। पहले दिन जिस दिन टिकट ऑफलाइन टिकट बटना था, काफी यहां पे हंगामा हुआ क्योंकि लोगों को टिकट नहीं बट पा रहे थे। आज टिकट यहां मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी तमाम अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। यहां पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या अव्यवस्थाएं हैं और इन्हें क्या समस्याएं हो रही। जी, समस्याएं तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कोई ऊपर नहीं, साथ डायरेक्ट धूप हमारे सर पे आ रही है और सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। आप सुबह 10 बजे से आए हैं, अभी तक आपको टिकट नहीं मिल पाया? अभी इस लाइन में थे, अभी कहा दूसरी लाइन में आइए, वो काउंटर बंद हो गया है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? यस। तो आपके लिए कितने काउंटर खोले गए हैं यहाँ पे? दो काउंटर्स हैं, जिसमें अब एक काउंटर, दोनों पे टिकट मिल रहा है? दोनों पे मिल रहे थे, अब नहीं मिल रहे हैं, अब एक ही पे दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एकाना मैनेजमेंट ने ये दावा किया था कि छात्रों को कम रेट के टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन छात्रों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। सुबह दो काउंटर थे जहाँ पे छात्रों को टिकट दिए जा रहे थे, लेकिन दोपहर तक एक काउंटर बंद कर दिया गया। एक काउंटर होने के चलते काफी समस्याएं हो रही छात्रों को, टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।